दोस्तों आज बड़ा ही मजेदार एक और वाक्य हुआ मेरे साथ। मैं एक क्लाइंट के यहाँ गया हुआ था और उनके यहाँ पे एक उनके रिलेटिव थे जो कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर यूज करते थे। अब मेरे क्लाइंट ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था मेरे को कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ वहाँ पे, क्या काम है मेरा। तो मैं भी आराम से बैठा हुआ था। अब वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके आए हुए थे क्योंकि वो उनके रिलेटिव थे, उनको कुछ बोल नहीं सकते थे। तो अब वहाँ पे जब हम सब बैठे थे तो उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे, काफ़ी बड़े बड़े क्लेम्स किए उस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को लेकर कि मुझे किसी का भी फोटो दे दो, मैं आदमी ढूंढ दूंगा फोटो से। और उन्होंने क्लेम किया कि मेरे को फोटो दे दो किसी की, मैं उस आदमी का ये बता दूंगा कि इसे कौन सा कलर सूट करता है। मुझे फोटो दे दो, मैं इस आदमी का मुहूर्त निकाल दूंगा कि इसको घर कब लेना चाहिए, कौन सी दिशा में घर लेना चाहिए, कौन सा वाला घर लेना चाहिए और जाने क्या क्या। दोस्तों इवन उन्होंने तो ये तक बता दिया कि मैं इनको बता दूंगा इनको कार कौन सी लेनी चाहिए, कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए, कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सा मॉडल लेना चाहिए, कौन सा कलर लेना चाहिए, मोबाइल का कौन सा ब्रांड लेना चाहिए। मतलब वहां तक हद हो चुकी है दोस्तों कि मोबाइल का ब्रांड और मोबाइल बता रहे हैं कि आप इस ब्रांड का ये मोबाइल लीजिए। इवन उन्होंने दोस्तों ये तक कहा कि अगर फोटो नहीं है, आदमी सामने है, तो हम उसका डीएनए इज ए वेरी बिग वर्ड बाय द वे, तो उसका डीएनए का सैंपल ले लेंगे, उससे हम ये सारी चीजें जो फोटो से चेक, वो डीएनए से भी चेक कर देंगे। डीएनए उनको कैसे मिल रहा है? डीएनए उनको स्पिट से मिल रहा है, सलाइवा से, कि हम एक वो एम्प्टी बॉटल जो आती है इनकी सो कॉल्ड सैंपल, तो उन सैंपल में हम सलाइवा डालें और सलाइवा डाल के ये सारे काम हम कर सकते हैं और चक्रा उनके चेक कर सकते हैं। 7 चक्रास हम चेक कर देंगे, हम हॉरोस्कोप चेक कर देंगे, कौन सा प्लेनेट क्या है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं उस आदमी के सलाइवा से, उस आदमी की फोटो से, इन सब चीजों से। अब दोस्तों मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर इस आदमी को सैंपल की जरूरत पड़ती है कुछ भी काम करने के लिए, जैसे उस आदमी की डिटेल्स बताने के लिए उसने उस आदमी का डीएनए उसमें डाला, तो अब बाकी जो सारी चीजें, मतलब वो 200 और सैंपल की वो लेके चल रहा है बॉटल्स, तो उन 200 सैंपल की बॉटल जो खाली बॉटल है उसकी, उसमें कौन सा उसने डीएनए डाला है या उसमें कौन सा एलिमेंट डाला है, कौन सा सैंपल डाला, सिवाय एयर एलिमेंट के उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है दोस्तों। अब अगर इतना ही सटीक ये स्कैनर है और उसमें सैंपल डालना पड़ता है, जैसा कि उस कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि उसमें सैंपल, अब अर्थ एलिमेंट अगर वो चेक कर रहा है घर का, तो उस खाली बॉटल में जो अर्थ एलिमेंट की बॉटल, मेरे पास बॉटल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरे पास, ये आ गया आपका एरा अर्थ एलिमेंट। अब ये जो इनकी अर्थ एलिमेंट की खाली बॉटल है, इसमें कौन सा अर्थ एलिमेंट इन्होंने डाल रखा है, इसमें कौन सी धरती डाल रखी है जिससे कि ये अर्थ एलिमेंट को चेक कर रहा है। ये एयर कॉर्नर, चलो इसमें तो एयर होगी, मान सकता हूं। ये फायर कॉर्नर, इसमें कहीं आग नहीं दिख रही दोस्तों। अब ये खाली बॉटल, अब एक तरफ तो वो कंसल्टेंट ही क्लेम कर रहा है कि मुझे उस आदमी का डीएनए चाहिए, सैंपल चाहिए, अभी उसमें भी आऊंगा, और एक तरफ वो इन खाली बॉटलों से चक्रा भी चेक कर रहा है, घर भी चेक कर रहा है, एस्ट्रो भी चेक कर रहा है, हॉरोस्कोप भी चेक कर रहा है, जो मर्जी है उससे चेक करा लो दोस्तों, वो बीमारियां तक चेक कर रहा है। मतलब कि अगर इन कंसल्टेंट के हिसाब से चला जाए तो सारे मॉलों में से सिक्योरिटी हटा दो, हर जगह एक कंसल्टेंट खड़ा कर दो, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके, तो हर जगह इन कंसल्टेंट को खड़ा कर दो, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके इस टाइप का, ऐसे आराम से वो अपना एक ऑन कर दो, वरना लोग कहेंगे फ्रॉड कर रहा है ये भी। देखो अब मॉल में सिक्योरिटी में ऐसे खड़ा कर दो उसको, जैसे ही कोई गलत आदमी आएगा ये अपने आप नो कर देगा, इसकी एंट्री मैन है भाई,
मतलब ये हर चीज चेक कर सकता है, तो ये भी चेक कर सकता है कि आदमी गलत है, ये आदमी गड़बड़ है। एयरपोर्ट पर खड़ा कर दो, मॉल में खड़ा कर दो, सिक्योरिटी में, हर जगह में खड़ा कर दो, ऐसे ऐसे ले लेके। या लगेज चेक होता है बहुत जगहों पे, रेलवे स्टेशन पे होता है, एयरपोर्ट पे होता है लगेज चेक, वहाँ भी यूनिवर्सल स्कैनर वालों को लेके खड़ा कर दो। और अगर इसमें इतनी जान होती दोस्तों, तो पुलिस के पास सारे चोरों की फोटो होती है, इसमें डाल दो चोर की फोटो, ये कह रहा है घर तक लेके जाएगा, ये बता देगा कौन से देश में है, कौन सी सिटी स्टेट में है, कौन सी सिटी में है, कौन से हाउस नंबर में, कौन से सेक्टर, सब कुछ बता रहा है। अब जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। ये इतना इतना धोखा कर रहे हैं ये कंसल्टेंट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बड़े बड़े क्लेम करके छोड़ दिए इन लोगों ने। वो वहां कंसल्टेंट बैठ के ऐसी ही बकवास कर रहा था कि हम तो किसी को भी ढूंढ लेते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत देर तक तो मैं सुनता रहा दोस्तों, फिर मेरे से रहा नहीं गया, एंड में मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर एक बात है, वैसे मैं कहा आप जब आते हो कहीं भी जाते हो आप विजिट करते हैं? उसने कहा हाँ हम तो यहाँ विजिट करते वहां करते, पता नहीं कहाँ कहाँ नाम ले दिया। मैं कहा आप क्लाइंट से एड्रेस मंगाते हैं उसका? कहते हाँ हम तो एड्रेस मंगाते हैं। मैं लोकेशन भी मंगाते हो बहुत बार? कहता हाँ मंगाते हैं, गूगल मैप पर भी एड्रेस की लोकेशन भेज दो। मैं क्यों मंगाते हो, फोटो मंगा लिया करो। और मजे की बात तो ये, वो फोटो प्रिंट आउट भी नहीं थी उसको, वो मोबाइल से चेक कर लेता है, मोबाइल पर अपना वो मास्क रखेगा, अर्थ पीस जिसको बोलते हैं, वो रखेगा और उसको टिक टिक करके चेक कर लेगा अपना आराम से। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल? कहीं तो कोई लॉजिक लगाओ ना। इन्हों तो हॉस्पिटल में सारी मशीनरी हटा दो इनके अकॉर्डिंग टू ये कंसल्टेंट, हॉस्पिटल की सारी मशीनरी हटा दी जाए, इनको खड़ा कर दे कि जी अच्छा ब्लड ब्लड टेस्ट करना है, ये सैंपल तो है इनके पास ABCD के, और बना लो सैंपल ब्लड ग्रुपों के, और सीधा अच्छा तेरा ये ए, ओह तेरा तो ए है, ए पॉजिटिव आ रहा है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, कितना बढ़िया रहेगा। कभी किसी को नीडल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर इनके अकॉर्डिंग चला जाए। ये सारी बड़ी बीमारियां चेक कर रहे हैं, अच्छा तेरे को तो कैंसर है, हाँ तेरे को तो कैंसर है, तेरे को ब्लड कैंसर है, तेरे को ब्रेन ट्यूमर है, सारी बीमारियां तो ये चेक कर रहे हैं कंसल्टेंट। मतलब ये तो भगवान है साक्षात, और हम इनको पहचान नहीं पा रहे, कितने बेवकूफ अनपढ़ गंवार दोस्तों। ऐसे 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 कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे अनपढ़ सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर के कमेंट्स आते हैं, स्पेलिंग तक उनकी ठीक नहीं होती। अरे भाई स्पेलिंग तो लिखना सीख लो पहले, या तो तुम हिंदी में लिख लो या तुम इंग्लिश में लिख लो, और स्पेलिंग तुम ठीक लिख लो, पहले कुछ तो पढ़ लो यार। तुम्हें पढ़ना लिखना आता नहीं है, तुम एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट बन गए हो, एक यूनिवर्सल स्कैनर ले गए और हर्ट होने लो। मैसेज एक कमेंट आ रहा है, मेरे को हर्ट हुआ आपने यूनिवर्सल स्कैनर के बारे में ऐसे बोला। अरे हर्ट नहीं हुआ सर, रियलिटी बताई है। मतलब इतने बड़े बड़े जो हॉस्पिटल बन रहे हो सब बेकार है, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले ठीक है, इन्हीं को लगा लो बीमारी चेक करने पे, ये तो बीमारी भी चेक करते हैं। कैंसर के 20 पेशेंट एक दिन में चेक करते हैं, 2 मिनट लगते हैं, मशीनरियों की जरूरत ही नहीं है। इलाज कितना सस्ता हो जाएगा अगर इन फ्रॉडियों की समझे तो, डॉक्टर पागल है बेचारे, वो इलाज कर रहे हैं, ये तो दवाइयां बता रहे हैं कि तेरे को ये दवाई सूट करेगी नहीं करेगी, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। अरे यार इतना इन्होंने झूठ और पाखंड फैला रखा है। तो मैंने उस कंसल्टेंट से ये बात बोली, जब मेरे से नहीं रहा गया, मैंने कहा सर आप फोटो मंगा लिया करो, आप लोकेशन क्यों मंगाते हो, आप एड्रेस क्यों मंगवा रहे हो, सीधा फोटो डालो अपना स्कैनर में, टिक 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 लेके आ जाएगा आपको। दोस्तों भड़क गया, फिर दूसरा 5-7 मिनट उसने फिर अपना बोला कि हाँ ऐसे है, ये है, वो है, कर सकते हैं ऐसा तो हम। मैं कहा कर लो जी, फिर करके दिखाओ, कभी आओ हमारे घर, मेरी फोटो खींच लो अपने आप, जैसे मर्जी है खींच लो, आओ हमारे घर। अगर इतना ही क्लेम है तो दोस्तों आ जाओ। मैंने उसको बोला, मैं कहा सर आप आइए मेरे घर, मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, जो भी आपकी फीस बनती है प्रोफेशनल मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप आओ मेरे घर।
और ये स्कैनर से ढूंढ के आओगे, क्योंकि आप तो क्लेम कर रहे हो कि आप चोर भी ढूंढ सकते हो, आप सब कुछ ढूंढ सकते हो, आप तो भगवान हो, तो आ जाओ मेरे घर। भगवान को एड्रेस की जरूरत थोड़ी ना, भगवान को गूगल मैप पे लोकेशन की जरूरत थोड़ी है। तो खैर 5-7 मिनट बहस होने के बाद उन्होंने फिर कुछ ऐसी ही बकवास करी। मैंने फिर उनको पकड़ा, मैंने कहा सर यहाँ कमरे में 9 आदमी बैठे हैं, हाँ आप बाहर जाओ एक सेकंड को, या उधर ही मुंह कर लो, अगर उसमें आपकी बेइज्जती हो रही बाहर जाने तो आप उधर मुंह कर लो, मैं एक आदमी का स्पिट का सैंपल आपके सैंपल बॉक्स में डालूंगा, और आप जो क्लेम कर रहे हो कि मैं स्पिट से बता दूंगा किस आदमी का है, तो आप मेरे को बता दो सर, इतना करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा रियल काम कर रहे हो, ये स्कैनर आपका रियल है। दोस्तों वो इतना भड़क गए, वो इतना भड़क गए कि वो मेरे क्लाइंट से लड़ पड़े, उनके रिश्तेदार थे उन्हीं से लड़ पड़े कि सर आपने मुझे बेइज्जती करने को बुलाया है। अरे नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे यार, हम तो जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जो आप क्लेम कर रहे हो हम उसी बात को आपसे पूछ रहे हैं कि ये करके दिखा दो हमारे को। तो आपने अभी बोला ना कि स्पिट के सैंपल से मैं तो बाहर भी ढूंढ सकता हूँ, फोटो के सैंपल से, अगर स्पिट के सैंपल से आप आदमी ढूंढ सकते हो तो आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि ये 9 आदमी 8 आदमी बैठे हैं कमरे में, एक का स्पिट हम डालेंगे, आप उसको ढूंढ के बता कि ये इस आदमी का है, मैं मान जाऊंगा। दोस्तों इन फ्रॉडियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये महा फ्रॉड है, इनको सिर्फ 420 करके पैसा कमाना है। ये 4 दिन का कोर्स करते हैं, बढ़िया कहीं से भी किसी भी टुच्चे कंसल्टेंट आज का सब बैठे हैं, 4 दिन का कोर्स कराते हैं, ये वास्तु आचार्या और विचारिया पता है क्या क्या लिखते रहते हैं, और उसके बाद अपना आराम से ये यूनिवर्सल वाला स्कैनर खरीद लेंगे, 5-10 हजार रुपए का मिल जाता है मार्केट में, और इसको खरीद के बन गए जी वास्तु कंसल्टेंट। फिर ये अपने आप को समझते भगवान कि तुम इस यूनिवर्सल वाला स्कैनर से हर तरीके की बीमारी चेक कर सकते हो, तुम एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी चेक कर, अरे प्लेनेट चेक कर रहा है, मेरे करते प्लेनेट चेक। दोस्तों मैं चैलेंज करता हूं उन कंसल्टेंट को जो ये बकवास कर रहे हैं कि पहले तो मेरी फोटो क्लिक कर ले, मेरी वीडियो से बड़े आराम से मिल जाएगी और इंटरनेट में वैसे भी अवेलेबल है, तो वहां से फोटो ले आ जाए मेरे घर और ये दिखा दे के देखो सर मैं आ गया आपके घर फोटो से, फिर मैं अपनी क्वेरीज करूंगा उससे और लाइव वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आ जाए आके मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं मान लो ये बिल्कुल ठीक है, वरना ये बिल्कुल फ्रॉड है। मेरे पास ये इतने सैंपल रखे हैं दोस्तों आज भी कि टेस्टिंग के लिए आते हैं कि सर हमारा यूज करके देखो, ये 208 सैंपल है, ये 400 सैंपल वाला, एक तो मेरे को देखा 800 सैंपल था, 800 ये होम्योपैथी की डब्बी है, एक डिजिटल वाला मेरे को देखेगा सर ये टैब से कनेक्ट हो जाता है, इसमें ऐप डलती है, इसमें ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या क्लेम कर गया वो, तो सर सामने वाला देख के पागल जरूर बन जाएगा, और ये वर्ड्स होते हैं उनके, अरे पागल नहीं बनाना, जेन्युइन काम करो, फ्रॉड क्यों कर रहे हो। इन्होंने इनको अगर कुछ पढ़ा लिखा हो, आता हो, वास्तु का वी पता हो, तब तो ये करेंगे काम, इनको आता ही नहीं है वास्तु। 4 दिन के कोर्स में दोस्तों वास्तु नहीं आता कभी भी, ये जो अपने आप को लिख रहे ना वास्तु आचार्या, ये अचार बेचने से अचारिया बन गए, बस इतना इनमें फर्क आ गया है। 4 दिन का कोर्स करके जो भी लोग ये वास्तु कर रहे हैं वो सारे के सारे फ्रॉड है दोस्तों, और ये सब लेके घूम रहे हैं यूनिवर्सल वाला स्कैनर कि हम तो यूनिवर्सल वाला स्कैनर, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ कोई चीज लाया कर सकते हैं, सैंपल निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोबाइल चेक, अरे मोबाइल चेक कहाँ से कर सकते हैं, बीमारियां चेक कर रहे हैं, कितनी अजीब सी बात है। मतलब हॉस्पिटल वाला पागल था बेचारा जो मशीन लेके 4 दिन का वो भी कोर्स कर लेता, कोई डॉक्टर कोर्स करके गेट पे खड़ा हो जाता, फिर आते ही से चेक कर लेता, ओ तेरे को तो हार्ट की है, चलो वहां दूसरा खड़ा होता है एक और डॉक्टर हार्ट वाला जो होता वो भी यही ले खड़ा होता कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है। और स्टंट की तो दोस्तों जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो दवाई भी बता देते हैं कि तू ये काले ये वाली दवाई और तू ठीक हो जाएगा, कितना फ्रॉड। तो दोस्तों अगली बार अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई फ्रॉड आ रहा है तो उससे एक आज सवाल, ये आज भी मैंने आपको वीडियो में बताए हैं कैसे कैसे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी कोई ऐसे फॉल्स क्लेम कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, बच के रहिए, आजकल इनका फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई यूनिवर्सल वाला स्कैनर वाला स्कैम हो चुका है दोस्तों, ऐसा कोई फ्रॉड हो चुका है आपके साथ, तो नीचे कमेंट में जरूर अपनी स्टोरी शेयर करें। धन्यवाद।